सुल्तानगंज क्षेत्र के कनपुरा मटिहा ग्राम के निवासियों ने आज तहसील पहुंचकर कैलाश नदी के किनारे पिचिंग लगाने की मांग को लेकर तहसीलदार सितारगंज को एक ज्ञापन सौंपा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से कैलाश नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी दिख रही है, क्योंकि इस समय धान फसल खेती में खड़ी नदी के कटान से खत्म होने लगी है, जिससे आज कनपुरा मटिया गांव के ग्रामीण तहसील पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। एडीएम साहब को ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि हमारे गांव के पीछे सर नदी, कैलाश नदी, नंदौर नदी, जिसके कोई बाढ़ पिचिंग मजबूत पक्की नहीं थी, तो हमारे गांव की तरफ सीधी अग्रसर कर रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे। कम से कम मेन मूल जगह से वो है नदी, कम से कम 400 मीटर हमारे गांव की ओर बढ़ चुकी है। हमारे गांव का जो वास्तविक सीधा रास्ता था चारा पट्टे के लिए, उस रास्ते को नदी ने आज की डेट में पूरा का पूरा काट दिया। हमने पिछले साल पीछा निर्मला कमला बिष्ट जी को भी ये मौके में मुआयना करा करके ये ज्ञापन दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक प्रेम सिंह राणा को भी बुलवाया था, वो भी आए देख करके चले गए। कई ऐसे अफसरों को, विधायकों को और मंत्रियों को हमने इतला कर दी, लेकिन हमारे इस कैलाश नदी को रोकने का कोई प्रावधान हमारे को, गांव वालों को किसी प्रकार का अभी कोई सुझाव मिला नहीं। आपसे वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन कहीं उनकी व्यस्तता होने के कारण दूल्हा अपना मोबाइल उठा ना पाए। उन्होंने इसमें पटवारी जी से अपने जांच कराऊंगा और तत्काल इसमें सिंचाई विभाग को पिचिंग कार्य हेतु अपेक्षा करूंगा कि तत्काल पिचिंग कार्य करवाएं, जिससे ग्रामीणों की कृषि भूमि सुरक्षित और रह सके। यूपी के जहांगीराबाद में कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में दीवार कूदकर अज्ञात व्यक्ति के अंदर घुसने से बालिकाओं व स्टाफ में दहशत का खौफ बना हुआ है। नगर के टाउन स्कूल स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में, जिसमें लगभग 100 बालिका शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, रात को करीब 12:30 पर विद्यालय की दीवार कूदकर एक व्यक्ति को अंदर घूमता वार्डन सुनीता ने देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया, जिससे अन्य स्टाफ जाग उठा। शोर की आवाज सुनकर अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विद्यालय आवास में चेकिंग की, लेकिन कोई भी नहीं मिला। वहीं पुलिस ने विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो उसमें एक व्यक्ति विद्यालय में घूमता नजर आ रहा था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला हुआ था आपके विद्यालय में? यही कोई रात्रि के 12:30 बज रहे थे, मैं अचानक से ऐसे उठी बाथरूम वगैरह के लिए, तो मैंने देखा ऐसे ही आराम से नीचे को देखा, तो मुझे लगा कि चौकीदार दिखे। फिर मैंने ध्यान से देखा तो चौकीदार तो था ही नहीं, क्योंकि हमारा चौकीदार ठीक ठाक सा है, वो थोड़ा पतला दुबला सा था और ऐसे ही लग रहा था देखने में। तो मैंने फिर एकदम से देखा कि तो हमारे विद्यालय का व्यक्ति नहीं है। मैंने फिर शोरूम मचाया तो सारे लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। क्या नाम है तुम्हारे विद्यालय का? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। कितनी बालिकाएं हैं आपके इस विद्यालय में? 100 लड़कियों का नामांकन है, लेकिन 80 के करीब लड़कियाँ प्रेजेंट हैं, उपस्थित है यहाँ पे। इसकी शिकायत आपने किससे करी? मैंने सभी से करी है, और उसी दिन 27 की रात्रि को ही जब भी मैंने देखा, पहले मैंने सोचा कभी मेरा वहम वहम तो नहीं था, फिर मैंने सीसी कैमरा में देखा तो सत्य बात थी। फिर मैंने पुलिस को भी बुलाया, रात्रि में ही सब आए, 4-5 लोग आए भी थे, उन्होंने सारे में चेकिंग करी, पूरा परिसर देखा, तो उन्होंने बस यही कहा अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई बात होती है, कोई भी आपको थोड़ा सा भी शक लगे तो तुरंत बुला लेना। क्या लोग थे वो? मुझे तो एक ही दिखाई दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी हो साथ में। इसकी शिकायत डीएम साहब को भी दी आपने? हाँ दी है मैंने उसकी शिकायत। और क्या परेशानी है तुम्हारी इस कॉलेज में? विद्यालय में ना तो विद्यालय के बाहर लाइट है बिल्कुल भी, रात शाम के 7 के बाद यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। फिर दीवारें 4.5 की है, कोई भी आदमी कैसे भी आराम से इजिली, आदमी क्या बच्चा भी कूद सकता है, तो बस मेरा तो यही है दीवारें ऊँची हो जाए, दूसरा इनका कटीले तार लग जाए और सोलर लाइट की व्यवस्था हो जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। कौन सी शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे? सभी विषयों की शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे। कक्षा कैसे कितने तक? कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की है, और जो विद्यालय का समय है, जो शिक्षा का समय है, वो 9 से 3 तक का समय है। कितने साल तक की हमारे यहाँ छात्रा हैं बच्ची? यहाँ मिनिमम 11 साल से और 15-16 साल तक की किशोरियाँ हैं हमारी विद्यालय में।
आपने सुरक्षा के लिए गुहार किससे लगाई है? जी मैंने तो सभी से लगाई है, जीएम साहब से, एसडीएम साहब से, सभी के पास सूचना भेजी है। सभी से चाहती हूँ मैं तो, जो भी हो सके वो विद्यालय की मतलब मदद करे इस तरह से। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनीता है। कौन से पद में आप? मैं वार्डन के